हे एवरी वन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। लेट स्टार्ट टूडेज द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। अभी एक दो दिन जो है हम लोगों का ऑफिस शिफ्ट हो रहा है, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, और इस वजह से सेशन जो है टाइम पे ही होगा। बट अगर किसी दिन स्टूडियो से ना ले पाऊँ, क्योंकि स्टूडियो अभी निकला हुआ है पूरा, तो आप लोगों को इस तरीके से वीडियो मिल जाएगी। एक दो दिन की बात है, बाय 31st थिंग्स विल बी फाइनलाइज। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन को, जो कि क्लैट एलिट डीयू एलएलबी एलएलएम एनएलएस सेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप 2022 में देंगे या 23 में देंगे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज मेरा आप लोगों से जो क्विज का क्वेश्चन है वो ये कि जुडिशियल एक्टिविज्म का ना मुझे आप एक एग्जाम्पल बताइए कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है ना, ये मुझे एक एग्जाम्पल से बताइए कि कब इतिहास के अंदर कभी जजेस के द्वारा जुडिशियल एक्टिविज्म किया गया हो। तो कोई एक एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लैट पॉइंट जो है आपको ऑफर करता है कोर्सेज फॉर क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, डीयू एलएलबी, एनएलएसएट, एलिट यूजी एंड पीजी। आप इन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारा ऐप का, वहाँ से डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अभी आज का जो एडिटोरियल है यहाँ पे देखिए, यूक्रेन वाला है, तो अपन इस मसले को डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलरेडी रशिया यूक्रेन का पूरा क्राइसिस जानते ही हो। यहाँ पे थोड़ा सा पॉवर्टी रॉस बट इनकम इनइक्वलिटी फेल, ये देखेंगे आर्टिकल। यहाँ पे एक आर्टिकल है इंडिया और चाइना के रिलेशन से, ये देखेंगे। तो दो मेन आर्टिकल जो है आज हमें एडिटोरियल से डिस्कस करने हैं। सबसे पहला देखिए एक आर्टिकल है टॉकिंग एंड लिसनिंग। गाइज ये आर्टिकल ना इंडिया और चाइना के रिलेशन से रिलेटेड भी है, और साथ ही साथ अभी क्या हुआ, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वेंग यी साहब जो हैं वो इंडिया आए थे, तो उससे भी रिलेटेड है। अभी वेंग यी जब भारत आए ना तो क्या मसला था, देखो वेंग यी भारत तो आए लेकिन ये सिर्फ भारत नहीं आए थे, पहले ये गए थे अफगानिस्तान, फिर ये गए पाकिस्तान, फिर ये आए इंडिया, फिर यहाँ से चले गए नेपाल। तो जैसे अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हो, आपके ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिलेटिव हैं जो कहते हैं कि भैया हम आपके घर आएंगे, ठीक है, वो लेकिन आपके घर आने से पहले ना आपके पहले अड़ोसी पड़ोसी जितने हैं सबके घर जा के जाते हैं, फिर 5 मिनट आपसे भी मिल लेते हैं। आपको ये चीज़ अच्छी लगेगी क्या? नहीं लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या है वो आपको इंपॉर्टेंस फील करा पा रहे हैं क्या? नहीं करा पाएंगे, क्योंकि भैया आपने पूरी दुनिया घूम ली और जिससे मिलना चाह रहे थे आप उसको तो 5 मिनट मिले हो। तो इंडिया को भी ये ट्रिप जो है ना कोई खास रची नहीं, इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मिले भी नहीं थे। तो चाइना भी अपने एंड से ऐसे ही था कि चलो कर लेते हैं, वहाँ गए तो वहाँ भी चले जाओ, मतलब ऐसा कोई खास उनकी तरफ से भी प्रयास नहीं था। चाइना आता है तो वो दो ही चीज़ तीन चीज़ हमेशा बोलता है कि डेवलपमेंट पे ध्यान दो, जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है उसको साइड में रखो। तो इंडिया जो है वो इस चीज़ को मानता नहीं है, वो बोलता है पहले भैया LAC पे जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करो फिर ये करेंगे। चाइना क्या कहता है, देखो चाइना कहता है कि बहुत पुराने टाइज इंडिया चाइना के वो कंटिन्यू रखने चाहिए, एक दूसरे के डेवलपमेंट की तरफ फोकस करना चाहिए जिससे कि दोनों ही कंट्री आगे बढ़े, इकोनॉमिक टाइज बढ़ाने चाहिए और कॉपरेट करना चाहिए मल्टीलेटरल स्फीयर वर्ल्ड में क्रिएट करने के लिए। अभी मल्टीलेटरल स्फीयर क्या होता है, देखो मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे देखो ये वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड में ना एक जमाना था कि सिर्फ USA जो है वो राज करता था, उससे पहले जो है ना USSR भी थोड़ा सा चलो पावरफुल होता था। अभी क्या है ना, USA है, चाइना है, इधर UAE की भी हल्की फुल्की पावर बन रही है, तो अब ना कोई एक कंट्री यहाँ पावरफुल नहीं रहा है। अब वर्ल्ड की हालत ये कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रीजन में बहुत सारे ग्लोबल पावर्स बन के उभर रहे हैं, तो यही होता है मल्टीलेटरल स्फीयर। तो चाइना जो है हमेशा से मल्टीलेटरल स्फीयर की बात करता था, क्योंकि USA का इकलौता राज रहता था, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है। तो ये कुछ था। इसके बाद एक एडिटोरियल आया हुआ है कि पॉवर्टी रोज बट इनकम इनइक्वलिटी फेल। अब ये क्या आर्टिकल है, बेसिकली ये कह रहे हैं देखो जो गरीबी है ना वो तो बढ़ रही है लेकिन लोगों की इनइक्वलिटी जो इनकम की ना वो कम हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो क्या हो रहा है कि गरीब तो जो कमा रहा था उतना ही कमा रहा है, जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे थे ना उनमें से बहुत सारे लोगों के पैसा कमाई कम हो गई है आफ्टर कोविड, तो इस वजह से ये चीज़ है। देखो इस एडिटोरियल के अंदर ना कुछ टर्म्स यूज़ हुई हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। एक है स्क्यूफ्लेशन। देखो आपने इन्फ्लेशन का नाम सुना है, हमने कितनी बार डिस्कस भी किया है। स्क्यूफ्लेशन क्या होता है गाइज, स्क्यूफ्लेशन का बेसिकली मतलब ये होता है, इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, और मान लो ये प्रोडक्ट है ए, ये प्रोडक्ट है बी, ये प्रोडक्ट है सी। कोविड के बाद ना प्रोडक्ट ए तो जो है इन्फ्लेशन की वजह से महंगा हो गया, प्रोडक्ट बी जो है ना वो कोविड के बाद जो है वो सेम रेट पे ही चला, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, और जो प्रोडक्ट सी है ना वो सस्ता हो गया। ठीक है, ये क्यों होता है, जब डिमांड कम हो जाती है तो फिर लोग सस्ता करके बेचने लग जाते हैं, सेल चालू कर देते हैं ना। तो ये जो तीन चीज़ एक साथ होती है ना, इस सिचुएशन को स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, स्क्यूफ्लेशन एक टर्म यहाँ पे यूज़ हुई थी। इसके बाद देखिए इस एडिटोरियल में लिखा हुआ है कि भारत की इकोनॉमी जो है ना वो वी शेप रिकवरी कर रही है,
तो थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं। देखो, इकोनॉमिक जो रिकवरी होती है ना, अलग अलग जानकार अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भारत जो है वो अभी वी शेप रिकवरी कर रहा है, हमारी गवर्नमेंट भी ये कहती है। वी शेप का मतलब कोविड में भाई नीचे गई, अब वापस ऊपर बढ़ रही है। डब्ल्यू शेप का क्या मतलब होता है कि चलो कोविड में नीचे गई थी, फिर ऊपर बढ़ने लगी थी, फिर सेकेंड लॉकडाउन आया, फिर वापस अब बढ़ने लगी है। एल शेप्ड रिकवरी का मतलब पहले तो नीचे आई, अब धीरे धीरे करके बढ़ रही है। स्वूश शेप्ड रिकवरी का मतलब होता है पहले तो नीचे गई थी, कोविड के बाद बढ़ने लगी, क्या पता वापस नीचे चले जाए। तो ये होते हैं कुछ रिकवरी के तरीके, और जो अलग अलग जानकार कुछ कहते हैं। बट एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है ना, वो आता है के शेप्ड। ज़्यादा जानकार यही कहते हैं, और एडिटोरियल में भी यही कहा जा रहा है। के शेप का मतलब क्या होता है? के शेप इकोनॉमिक रिकवरी गाइज होती है। जैसे कि आप इसको देखिए, के शेप बन रहा है ना ये, इसीलिए इसको के शेप बोलते हैं। के शेप क्यों बोलते हैं, मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो, कोविड के बाद ना हम दो लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं। एक यहाँ पे लिखा हुआ है राम का नाम, और एक यहाँ पे लिखा हुआ है श्याम का नाम। ठीक है, राम और श्याम दोनों का एग्जाम्पल लेते हैं। राम जो है ना, वो एक अमीर आदमी थे। कोविड से पहले इनके पास अकाउंट में 50 लाख रुपए पड़े थे। श्याम के पास ऐसा नहीं था। तो जैसे ही कोविड आया ना, तो इनका जो बिजनेस था रेंट वाला, वो बंद हो गया। सारे लोग इनका घर खाली करके चले गए। लेकिन इन्होंने क्या किया कि 50 लाख में से 40 लाख का इन्वेस्ट करके इन्होंने एक नया बिजनेस शुरू कर दिया, और वो था आपका सैनिटाइजर का। और इस 40 लाख से इन्होंने कमा लिए 2 करोड़। आपको याद होगा जब फर्स्ट कोविड आया था, तो सैनिटाइजर मार्केट में ख़त्म हो गए थे। तो उस समय जिन्होंने भी, बहुत सारे लोग सैनिटाइजर का बिजनेस शुरू करके खूब पैसा कमाए। तो ये एक आपको मैंने एग्जाम्पल दिया। तो कुछ लोगों का कोविड के बाद ना बहुत फायदा हुआ, जैसे कि राम का। श्याम क्या थे? श्याम एक कंपनी में जॉब करते थे, जो कंपनी थी होटल के अंदर। ठीक है, मतलब एक होटल की कंपनी थी, उसमें ये काम करते थे। वो होटल जो है ना, वो रेंट पे चलता था। कोविड का लॉकडाउन आया, रेंट वेंट दे ही नहीं पाए, ये होटल बंद हो गया। आज वो कंपनी घर पे बैठी हुई है, बंद हो गया, वो होटल ही बंद हो गया। श्याम क्या हो गए? जॉबलेस हो गए। तो ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हैं जो बताता है कि कुछ लोगों का तो फायदा होता है के शेप में, और कुछ लोगों का नुकसान होता है। तो ये होती है के शेप रिकवरी। ठीक है, मतलब कुछ लोग फायदे पे फायदे किए गए, और कुछ लोगों का नुकसान हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, टेक्स्ट वाला जो पेज होता है उसमें क्या आया हुआ है। तो उसमें आया है यूएस कट्स अ डील विद ईयू विज़ एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के लिए। देखो क्या था पूरा मसला, आपको याद होगा कि यूएसए जो है ना, वो नहीं चाहता था कि रशिया जो है उससे जर्मनी का जो नेचुरल गैस का सप्लाई होता है वो हो। आपने नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के बारे में सुना था। तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के पीछे ना यूएसए आज से नहीं, बहुत पहले से पड़ा था, रशिया यूक्रेन क्राइसिस से भी पहले पड़ा था। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जर्मनी जो है उसने मना कर दिया यूएसए को कि भैया हम तो रशिया के साथ डील करेंगे, आप अपना काम करो। ठीक है, तब ये, तब तक ये रशिया यूक्रेन क्राइसिस नहीं हुई थी। लेकिन जो है फिलहाल क्या हुआ कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद ना, जर्मनी के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा, और उनको नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को बंद करना पड़ा। यूएस फायदा लेते पहुंच गया। यूएस ने 50 BCM यू को 2030 तक एलएनजी सप्लाई करने की बात करी है। अब इससे यूएस का क्या फायदा है भैया? सीधा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है। यहाँ पे यूएस का फायदा है कि नहीं है? और यही यूएस पहले से चाह रहा था कि रशिया के साथ ना हो। इससे पहले ना मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज का 40% जो है ना गैस का जो सप्लाई था वो रशिया के थ्रू आता था। तो वहां से डिपेंडेंस अपनी खत्म करने की कोशिश करी जा रही है। रशिया के लिए रास्ते जो हैं वो और टफ होते जा रहे हैं, और देखते हैं आगे रशिया जो है इन सैंक्शंस को या इस खिलाफत को यूरोपियन कंट्रीज़ की, वेस्टर्न कंट्रीज की, कैसे झेलता है और किस तरीके से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा, ये है आपकी नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो रशिया से जो है आपकी बिछ के आई थी जर्मनी तक। एक नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन भी थी, अब ये 2 आई थी, और दोनों का ही काम बंद कर दिया गया है। रशिया से जो चाइना की गैस पाइपलाइन है ना, इसका नाम है पावर ऑफ साइबेरिया, तो वो भी ध्यान रखिएगा। फिर है द मूव टू ईज वोटिंग फॉर ओवरसीज सिटीजन। ये क्या है? देखो, अभी क्या हुआ था, आपको याद होगा पार्लियामेंट के अंदर हमने स्टेटमेंट सुनी थी हमारे लीडर्स के द्वारा कि एनआरआईज को भी जो है वो अधिकार मिलेगा। तो उसी के ऊपर चर्चा हो रही है कि ओवरसीज सिटीजन्स को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। देखिए, 2010 के बाद ना एक नियम आया था। नियम क्या था, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आफ्टर द पासिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 2010, एनआरआईज जो है ना, जो अब्रॉड 6 महीने के बाद भी रहे हुए हैं, अब्रॉड बियॉन्ड 6 मंथ, दे विल बी एबल टू वोट, बट ओनली इन पर्सन एट द पोलिंग स्टेशन। ये 2010 के बाद हुआ था। बट अभी क्या हो रहा है ना, देखो, भारत के अंदर एक रूल आया था, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, और 2016 में इसको अमेंड किया गया था, जिसमें सर्विस वोटर्स जो थे उनको अलाउ किया गया था। कैसे?
इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के थ्रू, जिसके अंदर पोस्टल बैलेट जो है ना इलेक्ट्रॉनिकली जो है रजिस्टर्ड सर्विस वोटर्स के यहाँ भेजे जाते थे, जहाँ पे उनकी सर्विस होती थी और जहाँ पे वो रजिस्टर्ड होते थे, और फिर उसके बाद मेल के थ्रू उनको रिप्लाई करके वोट देना होता था। तो ये चीज़ जो है ना NRIs के लिए भी करने की बात करी जा रही है। यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला, आपको ये पता होना चाहिए क्लैट के जितने स्टूडेंट्स हैं, DU के जितने स्टूडेंट्स हैं, और जो भी करंट अफेयर्स वाले लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप दोगे, और दूसरा यहाँ पे ये वाला पता होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यूनियंस टू स्टार्ट 48 आवर्स भारत बंद टूडे, तो भारत बंद टूडे का एक ये सीन बन रहा है 2 दिन का। अंडर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आपको प्रोटेस्ट का भी अधिकार मिलता है, पीसफुल प्रोटेस्ट का, तो ध्यान रखिएगा। केरला नर्सरीज बाउंस बैक ऑन नॉर्थ ईस्ट रबर वेव। केरला जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है भारत का रबड़ का, ध्यान रखना, और उसी से रिलेटेड एक आर्टिकल आया है। इंडियाज स्पेस इकोनॉमी वैल्यूड एट 36.794। हमारी गवर्नमेंट ने स्पेस में काफ़ी पैसा खर्च किया है, GDP का 0.23% जो है वो स्पेस को दिया है, और उसी में हमारी जो इकोनॉमी है वो 36,794 करोड़ की हो गई है। इंडिया टू टेस्ट फायर टू सर्फेस टू एयर मिसाइल। सर्फेस टू एयर मिसाइल मतलब ये जैसे सर्फेस है, यहाँ से एयर को टारगेट करने के लिए सर्फेस टू एयर मिसाइल, और मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल थी ये, चांदीपुर उड़ीसा से इसको टेस्ट किया गया था। प्रमोद सावंत जो है गोवा के चीफ मिनिस्टर की तरह ओथ ले लेते हैं। म्यांमार FM टू अटेंड बिम्सटेक मीट। बिम्सटेक क्या है पहले तो ये जान लो। बिम्सटेक एक ग्रुप है 7 कंट्रीज का, जो भारत जिसका एक मेंबर है। वैसे तो देखो बिम्सटेक ठंडे बस्ते में मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है, लेकिन अभी फिर से थोड़ा सा इसको करने की कोशिश करी जा रही है, रिवाइव करने की कोशिश करी जा रही है। फुल फॉर्म है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, और 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू ये फाइंड किया गया था। श्रीलंका जो है इसका करंट चेयरमैन है। पहली समिट जो है थाईलैंड में हुई थी। तो म्यांमार के फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बिम्सटेक की मीट अटेंड करेंगे, ये देखने को आर्टिकल आया था ये वाला। इसके बाद है सऊदी लेड कोलिशन लॉन्च स्ट्राइक ऑन यमन। तो हमने यमन क्राइसिस के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, और यमन क्राइसिस का पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी सब देखी थी हमने उस सेशन के अंदर, तो आई होप आपको पता हो। अदरवाइज मैं आज के सेशन में ना इसके बाद में उसको ऐड कर दूंगा वीडियो के बाद में, तो आप देख लीजिएगा। म्यांमार कूप लीडर्स वॉन्स अपोनेंट। तो म्यांमार क्राइसिस भी हमने पढ़ रखी है, आपको पता होगा किस तरीके से म्यांमार की आर्मी ने जो है सत्ता पलट करी थी 2020 के अंदर, और उसके बाद जो बड़े बड़े लीडर्स थे उन सबको जेल में डाल रखा है, हाउस अरेस्ट काइंड ऑफ, और इस तरीके की चीज़ें करी जा रही हैं वहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज इट गाइज, दिस इज हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। म्यांमार का इतिहास तो भारत के साथ है ही है, लेकिन म्यांमार जो है भारत के साथ कल्चर भी काफी सारा शेयर करता है। म्यांमार की पॉपुलेशन में 90% जनता जो है वो बुद्धिज्म को फॉलो करती है, और जैसा कि आप सभी को पता है कि बुद्धिज्म तो इवॉल्व ही भारत से हुआ था। म्यांमार की कैपिटल यंगून जो है वो एक जमाने में रंगून कहलाती थी, और 1857 की रिवोल्ट के बाद भारत के जो मुगल रूलर थे बहादुर शाह जफर सेकंड, उनको रंगून में ही जेल में ले जाया गया था। अब क्वेश्चन ये है कि वहां पे ये समस्या जो है अभी रिसेंटली देखने को क्यों मिल रही है, क्यों वहां पे जनता जो है काफी सारा प्रोटेस्ट कर रही है, वायलेंस के केसेस आ रहे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है वहां पे मिलिट्री रूल के अगेंस्ट में। और जैसे इंडिया में एक समय डिबेट होता था कि वायलेंस या नॉन वायलेंस कौन सा रास्ता अपना के देश को आजादी के लिए ले जाया जाए, उसी तरीके से म्यांमार के अंदर भी लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोग जो है वो ये चाहते हैं कि वायलेंस के थ्रू जो है देश को आजाद कराया जाए, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि नॉन वायलेंस के थ्रू देश को मिलिट्री से आजाद किया जाए और डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश किया जाए। देखो म्यांमार का इतिहास जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि जैसे हमारे देश को आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, उसी तरीके से 4 जनवरी 1948 को आपका म्यांमार जो है उसको इंडिपेंडेंस मिली थी। अब म्यांमार में प्रॉब्लम क्या थी, देखो जब उनको आजादी मिली तो वहां पे काफी सारे एथनिक ग्रुप रहते थे, जैसे कि हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट में हम देख रहे हैं कि काफी सारे एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, तो इसकी वजह से काफी अलग अलग समय में ऑटोनॉमी की मांग करते थे। आप अफगानिस्तान में प्रॉब्लम देख रहे हैं कि काफी सारी ट्राइब्स हैं, जिसके वजह से वहां पे जो नेशनलिज्म की भावना है वो नहीं आ पा रही है। तो म्यांमार में भी यही प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, काफी सारे एथनिक ग्रुप्स थे और सब अपनी अपनी गवर्नेंस के अंदर ऑटोनॉमी चाहते थे, जो कि उनको नहीं प्रोवाइड करी गई, और इसकी वजह से उस समय ही वहां पे सिविल वॉर शुरू हो गया। और जब भी किसी कंट्री में सिविल वॉर शुरू होता है उसका सबसे ज्यादा एडवांटेज वहां की मिलिट्री उठाती है, और 1962 में देखने को यह मिला कि वहां की मिलिट्री ने सत्ता पलट कर दी और मिलिट्री रूल शासन में आ गया। 1962 में जब मिलिट्री रूल आया तो विश्व की काफी सारी कंट्रीज ने म्यांमार के ऊपर जो है आप कह सकते हो कि सैंक्शंस लगा दिए। इंडिया ने भी 1962 से लेकर 1990 तक के आसपास म्यांमार से कोई रिलेशन नहीं रखे थे, ऑल्दो बाद
में इंडिया ने इस चीज़ को काफ़ी रिग्रेट किया था, क्योंकि इस बीच में म्यांमार की जो काफ़ी सारी क्लोजनेस जो है ना वो चाइना के साथ जाके हो गई थी। 1990 के बाद भारत ने म्यांमार के साथ अपने रिलेशन सुधारने की तरफ कदम बढ़ाए। इंडियन गवर्नमेंट ने ये गलती इसराइल के साथ भी करी थी कि पहले इसराइल के साथ कोई रिलेशन नहीं रखे थे, फिर बाद में इंडिया को समझ में आया कि नहीं इसराइल के साथ भी रिलेशन रखने चाहिए, और पहले गवर्नमेंट इंडिया की जो है इसराइल के साथ रिलेशन इसलिए नहीं रखती थी, बात आ रही है इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि इसराइल जो है वहाँ पे ऐसा बोला जाता था कि मुस्लिम आबादी को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं वो, और जो ज्यूश हैं जो है वो पैलेस्टीन्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायलेंस करते हैं, तो इंडियन मुस्लिम नाराज ना हो जाए तो उनको खुश करने के लिए भारत की पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इसराइल से रिलेशन दूर रख रही थी। लेकिन समय के साथ भारत को ये रियलाइज़ हुआ कि इसराइल इज़ अ पावरफुल कंट्री एंड क्लोज अलाई टू यूएस, तो फिर इंडिया को इसराइल के साथ अपने रिलेशन जो है सुधारने पड़े थे। तो यही चीज यहाँ पे म्यांमार में भी देखा हमने कि हमारा पड़ोसी देश है और चाइना के बहुत क्लोज जा रहा है, तो अपनी गलती जो है हमारी गवर्नमेंट को समझ में आई और 1990 के बाद भारत ने म्यांमार के साथ अपने रिलेशन सुधारने की तरफ काम किया। लेकिन 1962 से 1990 के बीच या उसके बाद भी म्यांमार की इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे श्रिंक करती गई, क्योंकि विश्व की काफी सारे कंट्रीज ने उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे ड्यू टू द मिलिट्री रूल, और उसके वजह से म्यांमार को फाइनली 2008 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन को लाना पड़ा, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया कि हम डेमोक्रेसी लेके आएंगे। ऐसा नहीं है कि इससे पहले डेमोक्रेसी लाने की कोशिश नहीं हुई थी, इन्होंने इलेक्शन कराने की काफी बार कोशिश करी, लेकिन इन द एंड होता ये कि मिलिट्री वाले ही शासन में आ जाते। म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी को लाने के लिए सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो ऑन सुन सुकी के द्वारा लड़ी गई थी। 1988 के बाद से इन्होंने काफी सारा प्रोटेस्ट जो है वहां पे शुरू कर दिया था कि डेमोक्रेसी लेके आई जाए, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करी जाए म्यांमार के अंदर, और फाइनली इनके इतनी मेहनत के थ्रू यहाँ पे 2008 में म्यांमार के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया। लेकिन मिलिट्री ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ इस प्रकार से चीज़ें करी कि कुछ सीट्स जो हैं मैक्सिमम सीट्स जो हैं वो मिलिट्री रूलर्स के लिए रिजर्व रहेंगी, और इसके बाद यहाँ पे ये देखने को मिला कि कोई भी ऐसा इंसान जिसका स्पाउस जो है वो फॉरनर है वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। तो ऑंग सुन सू की जो हस्बैंड हैं वो फॉरनर थे, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मिलिट्री ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस तरीके का प्रोविजन डाला कि ये कभी भी प्रेसिडेंट ना बन पाए। 2015 में इलेक्शंस हुए, सुकी जी की पार्टी जीत गई, लेकिन सुकी जी की पार्टी में वो खुद प्रेसिडेंट नहीं बन सकती थी ड्यू टू द क्लॉज और जो ये डाला गया था मिलिट्री के द्वारा, जिसके लिए फिर ये वहाँ पे मिनिस्टर की पोस्ट पे थी और प्रेसिडेंट कोई और बना था, लेकिन मेन पावर जो है वो इन्हीं के हाथ में थी। आप इसको काइंड ऑफ कह सकते हैं जैसे कि कहा जाता है कि यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे लेकिन पावर जो है वो सोनिया गांधी जी के हाथ में थी, तो उसी तरीके से सुकी जी के हाथ में काफी सारी पावर थी, ऑल्दो शी वाज नॉट द प्रेसिडेंट। एंड 2020 में क्या हुआ, 2020 में फिर से इलेक्शन हुए, और इस इलेक्शन में सुकी जी की पार्टी जो है ये काफी सारे बहुमत से इलेक्शन जीत गई। इसके बाद मिलिट्री को यह डर लगा कि अब इतनी ज्यादा बहुमत के साथ ही सत्ता में आए हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, और ये जो मिलिट्री वालों के लिए जो सीट रिजर्व करी गई है पार्लियामेंट के अंदर वो चीज ये खत्म कर सकती हैं, जिसके चलते हुए मिलिट्री ने ये आरोप लगाया कि सुकी जी ने इलेक्शन में धोखाधड़ी कराई है, रिगिंग हुआ है और ये इलेक्शन फ्रॉड है, और जिसके बाद मिलिट्री सत्ता में आ जाती है और मिलिट्री कूप हो जाता है। तो ये तो थी कहानी जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि जनता जो है वहां पे प्रोटेस्ट कर रही है काफी सारी जगहों पे। जनता ने जैसे भारत में थाली बजाने का मोदी जी ने किया था कि सम्मान के लिए किया जाए जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, तो उस तरीके की चीज़ वहाँ पे लोगों ने स्टार्ट किया थाली बजाना अपने मिलिट्री को विरोध बताते हुए। लेकिन समस्या क्या हुई, समस्या ये हुई कि एक वर्ग जो है वो यहाँ पे ये चाहता है कि वॉयलेंस के थ्रू चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए, एक दूसरा वर्ग है जो ये चाह रहा है कि नॉन वॉयलेंस के थ्रू ये चीज़ किया जाए। अब तक हजार से ज़्यादा जान म्यांमार में जा चुकी है इन वॉयलेंस के चलते हुए। देखिए हुआ क्या, वहां पे जो काफी सारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने मिलके एक पैरेलल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करी जिसका नाम रखा नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, और नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने अपने लोगों से दरखास्त किया कि जहां भी आप मिलिट्री को देखो इनको मारो, इनके ऊपर वॉयलेंस करो, जिसके बाद मिलिट्री ने भी जवाब देना शुरू किया और काफी सारे लोगों की मृत्यु हो रही है इस वजह से। आप में से काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर इंडिया का इसके ऊपर क्या इंस्टेंस रहने वाला है, तो देखिए भारत जो है ना उसकी काफी बार मदद नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में म्यांमार की मिलिट्री करती है। जब नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज के अंदर जो हमारे देश में जो इंसर्जेंसीज होती हैं तो वो लोग वहां पे कुछ उल्टा सीधा करके म्यांमार बॉर्डर में जाके छुप जाते थे, तो उस समय काफी बार म्यांमार की जो आर्मी है इन्होंने हमारी मदद करी है उन लोगों को वहां से खदेड़ने में, जिसके चलते हुए भारत जो है वो म्यांमार की आर्मी से डायरेक्टली क्लैश नहीं चाहेगा। जिसके चलते हुए भारत का एक सिंपल सा भी इस पे जो स्टैंड है जो देखने को मिलता है वो ये दिखता है कि नॉन वॉयलेंस के थ्रू चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए। इवन एशियन कंट्रीज जिसका म्यांमार भी पार्ट है वो भी यही चाहते हैं कि चीज़ों को नॉन वॉयलेंस के थ्रू
सॉर्ट आउट किया जाए। नॉन वायलेंस को प्रीच करने का इंडिया और एशियन कंट्रीज, देखो जब भी किसी कंट्री में वायलेंस बहुत ज्यादा होता है तो उस कंट्री से लोग जो हैं वो रिफ्यूजी की तरह एक दूसरे कंट्रीज के आसपास के जो कंट्रीज हैं उसमें स्प्रेड होते हैं, तो कोई भी कंट्री नहीं चाहता है कि उनके देश में रिफ्यूजीज आए। अभी रोहिंग्या के केस में हमने देखा था, ऑल दो रोहिंग्यास भारत में तो बहुत कम आए थे, बांग्लादेश में ज्यादा गए थे, लेकिन अगर इस तरीके की चीजें होने लगेंगी तो म्यांमार से काफी सारे लोग जो है वो इंडिया में आएंगे या ईशान कंट्रीज में जाएंगे, और ये कोई भी नहीं चाहता है। इसीलिए सभी लोग चाहते हैं कि नॉन वायलेंस के थ्रू चीजों को सॉर्ट आउट किया जाए, और ये था म्यांमार में क्राइसिस जिसके वजह से सारी चीजें देखने को मिली। गाइज अगर आप हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है फॉर क्लैट 2022 वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसमें मैं आपको हर सब्जेक्ट की गाइडेंस दूंगा, किस तरीके से आप पढ़ना है, किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, प्लस इसमें आपका पूरा जीके का जो कोर्स है वो कवर होगा। एंड अगर आप सिर्फ हमारा जीके बूस्टर परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, ऐप है हमारी उसको डाउनलोड करना है, और वहां से आप उस कोर्स को परचेस करके क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, और हमारी मंथली मैगजीन राइज जो है हमारा बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें हम करंट अफेयर्स मंथली बेसिस पे इस बुक के थ्रू कवर करते हैं, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।